Next question. Question says three similar wires of frequency N1, N2, N3 are joined to make one wire. सवाल है frequency of this new joint wire will be, और हमें चार option दे रखे हैं. Now again सवाल simple है, basics यहाँ पे clear होने चाहिए. मैं आपको यहाँ कुछ basics समझाता हूँ, इस सवाल को हम करेंगे कैसे. Similar यही सवाल आपसे नीट में दो बार पूछा जा चुका है और ये सवाल आपका जेई में भी आ चुका है. अलग सो अगर हम एक वायर की बात करते हैं तो ये मान लीजिए आपकी वायर है जिसको आपने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर रखा है, इसकी L1 लेंथ है इसकी. जब हम अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है N1 N2 N3, ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ये हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं. अलग सो ये जो वायर है इसकी वायर पे जब आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट करेंगे तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, चलो इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं कि लैम्डा विल बी इक्वल टू L/2 विच इम्प्लाइज लैम्डा को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा को हम लिख सकते हैं V/F विल बी इक्वल टू L/2 विच इम्प्लाइज यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिस विल बी इक्वल टू ये आ जाएगी 1/2L मल्टीप्लाइड बाय √T/μ बिकॉज अपने को पता है कि वेलोसिटी अपने को T/μ होती है. नाउ इस वायर के लिए हम ये लिख सकते हैं, ये वाली टर्म आ जाएगी. अगेन जब तीन वायर हमने ज्वाइन किए हैं सिमिलरली हम बाकी तीन वायर के लिए भी लिख सकते हैं. तो इसके लिए आपकी F1 दूसरी वायर F2 और ये तीसरी वायर, इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 F2 F3 थी. यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि तीनों वायर का आपका मास पर यूनिट लेंथ यानी कि म्यू सेम है और जब हमने इनको ज्वाइन किया है उस केस में टेंशन भी सेम है. अंडर दीज कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू आएगी तीनों का जो F' हमें बताना है, तीनों को कंबाइन करने के बाद ये जो आपकी वेव बनेगी, ये जो फाइनल वेव बन के आएगी इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ये क्या होगी. नाउ इस केस में हम ये कह सकते हैं कि आपका जो F1 है उसकी वैल्यू होगी 1/2L मल्टीप्लाइड बाय T/μ. सिमिलरली आपकी बाकियों के लिए लिख सकते हैं, इसी को हम रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज L विल बी इक्वल टू 1/2F. एक काम करते हैं 1/F1 और इसको यहाँ लिख लेते हैं √T/4μ. राइट, इस 2 को हम अंदर ले गए, अंदर 4μ बन गया तो ये आपकी L1 की वैल्यू हो गई. सिमिलरली यहाँ पे L2 की वैल्यू में 1/F2 आ जाएगा और L3 की वैल्यू में 1/F3 आ जाएगा. सो इस केस में जब हमने तीनों को ऐड कर दिया तो आपकी लेंथ L1 L2 और L3 ऐड हो गई. हम कह सकते हैं L विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, इन तीनों का सम हो जाएगा. सो यानी कि सेम रिजल्ट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं. सो हम कह सकते हैं कि 1/F मल्टीप्लाइड बाय T/4μ विल बी इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 और इन सब में से हमने T/4μ कॉमन ले लिया मान लीजिए. सो ये कैंसिल हो जाएगा विच एम्प्लाइज अपना रिजल्ट आ जाएगा 1/F विल बी इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3. यहाँ पे जानबूझ के मैंने n की बजाय f यूज़ किया है सो दैट अपने को n और f में कन्फ्यूजन ना रहे. सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर B वुड बी द राइट आंसर.